आप सभी लोग, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज आर पेट स्टेला इज़ कमिंग टू इंडिया। यस गाइज, सो स्टेला आ रही है इंडिया और अभी पापा गए हुए हैं उसको पिक करने के लिए एयरपोर्ट से। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो पापा चले गए और अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो आएगी आई विल शो यू कि वो कैसे रिएक्ट करती है, वो मेरे को रिकॉग्नाइज करेगी या नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट वन मंथ हो चुका है मेरे को यहाँ पे आए हुए। सो लेट्स सी व्हाट वुड बी हर रिएक्शन। और तो चलो दोस्तों, साथ मिलके देखते हैं स्टेला की जर्नी फ्रॉम पेट्रो कजाकिस्तान टू दिल्ली इंडिया, और कैसे कैसे उसने ट्रेवल किया है ट्रेन में, फ्लाइट में। लेट्स सी टुगेदर, और उसके बाद वो घर आएगी तो देखेंगे। सो देयर जर्नी स्टार्टेड। ये लोग जा रहे हैं अभी पेट्रो के रेलवे स्टेशन के लिए, और पेट्रो के रेलवे स्टेशन से इनको पहुंचना है सिमकेंट तक। उसकी जर्नी होगी पूरी 31 आवर्स की। सो लेट्स सी देयर ट्रेन जर्नी। Here is a very beautiful view of Lake Balkhash. Lake Balkhash is a largest lake in Central Asia, and iska bahut bahut sundar view dikh raha hai train journey mein. Aur aap sabhi log soch rahe honge ki main abhi aayi hu India, to main Stella ko apne sath kyon nahi leke aayi, because jis time main aayi thi to iski documentation proper complete nahi hui thi aur NOC will take time at that time to come. So main aa gayi thi, to abhi मेरी फ्रेंड है, लोकल फ्रेंड अलियोना, थैंक यू सो मच अलियोना फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट, उसने मेरी हेल्प की है NOC लाने में। और फिर ये अभी देखो इसको क्या उछल कूद मचा रही है ट्रेन में, और NOC वगैरह कंप्लीट करके उसने मेरे को दी। और मेरी सीनियर्स है आकांक्षा बॉस और प्रियंका बॉस, थैंक यू सो मच बॉस, उन्होंने फिर उधर से स्टेला को अच्छे से उसकी देखभाल करके ये लेके आ रहे हैं अपने साथ फ्लाइट के अंदर। थैंक यू सो मच अलियोना एंड माय लवली सीनियर्स जिन्होंने मेरी हेल्प की स्टेला को इंडिया लाने के लिए। एंड हेयर दे आर शोइंग मी द बोर्डिंग पास, स्टेला का बोर्डिंग पास मिल चुका है यहाँ पर, और ये सब भी बहुत खुश है, बिकॉज अगर आप कोई काम कर रहे होते हो, इंडल्ज होते हो, तो इन्वॉल्वमेंट में आपको खुशी मिलती है जब सक्सेस होते हैं तो। एंड हेयर वी गो, ये जाने वाले हैं फ्लाइट में, और एयर अरिस्थान फ्लाइट से आई थी स्टेला एंड माय सीनियर्स, सो दे आर रेडी टू टेक ऑफ नाउ। हियर इज स्टेला, आई थिंक शी विल एंजॉय इन हर फ्लाइट, इन हर फर्स्ट फ्लाइट। सो व्हाट द ऑसम व्यू हियर, अमेजिंग। स्टेला इज अराइव्ड। Open, open, open it. Stelu, come, baby, come. Welcome to India. How are you, Stella? Papa, kahan pe? Papa abhi aa rahe hain piche. Stelu, how are you, darling? Oi, kaisa lag raha hai India aane ke baad, bacha? Come. Dekh, dekh udhar. Say hi to everyone. Hi. Finally Stelu, welcome to our sweet home. तो चलो चलते हैं फटाफट से अंदर, और अभी हमने स्टेला को दिया है थोड़ा सा दूध, बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत थकी भी हुई है और भूखी भी है, और अब इसका करते हैं हम इंडियन स्टाइल में स्वागत। ये आग से डर रही है बहुत, और ये लगा दिया है इसको टीका, और प्रभु इसको पूरी इसकी लंबी उम्र देना, पूरी लाइफ स्पेन जिए और इंडिया में अच्छे से रहे। और अभी है फेवरेट टू हैव समथिंग स्वीट, सो स्टेला लाइक्स चॉकलेट, बहुत 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 ज़्यादा पसंद है इसको चॉकलेट्स। सो अभी देखते हैं इसको खाएगी या नहीं, क्योंकि अभी ये थोड़ी डरी डरी सी है, पर ये खा रही है, इसको पसंद है तो कैसे छोड़ेगी ये। तो अभी ये अजीब सा बिहेव करी थी, इधर उधर भागी थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बांध दिया था ताकि मेरे साथ रहे तो नॉर्मल हो जाए। यहाँ आप सब लोग देख सकते हैं कितनी शॉक्ड है, हर चीज़ को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देख रही है। वैसे भी कैट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है, एवरीवन नोज, और ये हर
चीज़ को रूम में हर जगह जा जाकर अच्छे से इंस्पेक्शन चल रहा है बेसिकली इसका भी, इस रूम में क्या चीज़ कैसे है, कहाँ इसको क्या रहना है। पूरे इसने अपने उछल कूद, इसने अपना डेमो दिखा दिया है घर वालों को कि इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है, और अभी इसका पूरा इंस्पेक्शन चलेगा। और यहाँ तो इसने हद कर दी है, मतलब ऊपर चढ़ चढ़ के देख रही है क्या क्या चीज़ कहाँ पर कैसे रखी हुई है। और इसको शांति मिल चुकी है आराम से, अभी इसने चेयर ढूंढ ली है अपने बैठने के लिए, आराम से बैठी है ये, और अभी ये अपना फूड इंजॉय कर रही है और इसको बहुत पसंद आया ये फूड। प्रोडाइट का कुछ फूड मंगा के रखा हुआ था मैंने इसके लिए पहले से ही, और ये काफ़ी इंजॉय करके खा रही है इसको, और मुझे अच्छा लग रहा है इसको देख के बहुत। अभी ये थोड़ा नॉर्मल हुई है, पहले ये थोड़ा शॉक्ड थी और क्यूरियस थी और पता नहीं क्या, पर अभी ये नॉर्मल। और यहाँ पापा का और स्टेला का इंट्रोडक्शन चल रहा है, और स्टेला देख यहाँ पे है हमारी बहुत पुरानी फैमिली फ़ोटो, ये देख यहाँ पे है पापा, ये हूँ देख इधर मैं, ये तुषार है और ये मामा है, ठीक है। और ये है गणपति बाबा मौर्या, से गणपति बाबा मौर्या, अभी इसका फुल मस्ती का मूड हो रखा है। क्या कर रही है रे, अरे क्या कर रही है स्टेला, स्टेला क्या कर रही है रे, अरे 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 पिट्टी कर रही है मेरी, क्या कर रही है क्या कर रही है क्या कर रही है क्या कर रही है क्या कर रही है, मेरी पिट्टी कर रही है, पिट्टी कर रही है, मैं तेरे को छोड़ के आ गई थी, पिट्टी कर रही है इसीलिए, पिट्टी 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 कर रही है लगाली, पिट्टी कर रही है, पिट्टी कर रही है मेरी। और यहाँ पे कराए है लड़की ने मस्त पोज में फोटो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं बता दूंगी पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसे कराया था मैंने, इफ़ यू वांट। और यहाँ पे ये रही है सो, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।